मैं सारे आसाम कुज राजवंशी सम्मेलन के इंचार्ज प्रेसिडेंट सुनील कुमार बर्मन, मेरे साथ ही ये एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑल आसाम का और जनरल सेक्रेटरी हिमू राजवंशी और यह जितने हैं सारे आसाम से डिस्ट्रिक्ट से और ये हमारा कुज राजवंशी युव सत्र सम्मेलन के प्रेसिडेंट है। तो हम लोग क्या ऐसी डिमांड रख रहे हैं आप लोग, आप जंतर मंतर पर आए हैं? देखिए, हम लोग डिमांड का इसलिए आया था, हमारा यह ऑल आसाम कुज राजवंशी जनता मिलने के 1912 में एक इकट्ठा होकर हमारा जाति का, हमारा संप्रदाय का जो डिमांड है एसटी, इसलिए हम लोग जितने सरकार भी आया था इतने दिन सभी ने हम लोग का कुज राजवंशी जितने संप्रदाय का आदमी है 70,000 कुज राजवंशी जनता है, लाख्स। तो सभी भुला वाला आदमी है, जाके इलेक्शन के जब शुरू होता है उस टाइम में जाके हम लोग को वोट मांगता है, हम लोग इकट्ठा होकर वोट देता है। जो कांग्रेस में माननीय ओ प्रेसिडेंट ऑल इंडिया प्रेसिडेंट शंकरदयाल शर्मा ने, उसने दो बार हम लोग को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करके हम लोग को भाई ऑर्डिनेंस जारी हो देकर हम लोग को एसटी दिया था, लेकिन बिल में पास नहीं किया। तो जब ओ नरेंद्र मोदी आसाम में सारे आसाम में घूमा था इलेक्शन में कैंपिंग के बारे में, तो उस टाइम में हम लोग को बोला जे आप लोग कुछ राजवंशी जनता हमको वोट दो, हम सरकार बन जाएंगे दिल्ली में, तो 6 महीने के अंदर आप लोग का जो एसटी है, जो डिमांड है, हम लोग कर देंगे। लेकिन 6 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 5 साल गुजरना वाला है, लेकिन वो बिल में नहीं उठाया। तो हम लोग के लास्ट सेशन है, हम लोग उसको याद कराने के लिए आया जंतर मंतर, इसलिए आया जे तुम जो झूठा बात बोल दिया हम लोग को, ये साल झूठा नहीं रहेगा, तुम सारे आसाम का कुछ राजवंशी इकट्ठा होकर कहता बोलता था जे हमारा एसटी नहीं देंगे तो 70 लाख कुछ राजवंशी जनता इकट्ठा होकर उसको गिरा देंगे बीजेपी और मोदी वाला सरकार को, इसलिए हम लोग जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, पूरे नहीं हुआ, बिल भी उठाया नहीं। तो आपको लगता है ये आप ऐसे जो धरने कर रहे हैं उनसे पूरा हो जाएगा? पूरा नहीं करे तो उसका घाटी होगा, हमारा किया है, हम तो इतने दिन घाटा किया ही है 1912 से, तो 3-4 महीना है उसका घाटी होगा, हमारा क्या है। मेरा नाम है रघुरंजन व्यापारी, आई एम द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द ईस्ट कोस्ट राजवंशी सम्मेलन ऑल असम। सरकार से यदि वो पूरी नहीं होती तो आपको लगता है कि वो पूरी करेंगे भी? उसका जवाब तो हम लोग को पास है ना, हम लोग जानता है, तो जवाब किसको देना है, कैसे देना है, ये हम लोग को जानकारी है। हम लोग असम में 70 लाख राजवंशी है, और अकेले हम नहीं है ना, असम में कुल मिला के 6 कम्युनिटीज हम लोग यही डिमांड कर रहा है एसटी शेड्यूल ट्राइब, हम लोग को शेड्यूल ट्राइब करना चाहिए इन लोग का, और कुल मिला के हम लोग असम में मेजोरिटी है।
तो सब मिला के अगर हम लोग चुनाव को बायकॉट करें तो हम लोग को स्वागत सिखाने के लिए ये काफ़ी होगा, अगर ना करे तो, क्योंकि ये लोग जो वादा किया हमारा, इन लोग को आपको असमिया तो नहीं आएगा ना, हम दिखा रहे हैं तो उसको मेमोरेंडम, वो जो ये मैनिफेस्टो है और मैनिफेस्टो में ये लोग बोला क्या, असम को सारे जनगोष्ठी को हम लोग जनजातिकरण करेंगे विद इन सिक्स मंथ अगर सत्ता में आए तो। सत्ता में आया और सतत चले जाने के लिए भी टाइम आ गया, मैं आने के लिए उन्होंने झूठे वादे किए, डेफिनेटली झूठे वादे किए वो लोग। तो ये झूठे वादे एक बार दे सकते, बार बार तो नहीं दे सकते ना, इसीलिए हम लोग इसमें आया और लास्ट वार्निंग देने के लिए भी आया। जो होगा बाद में देखा जाएगा, असम में आप लोग आओ तो आप लोग को जैसे भी जवाब देना है इसके लिए हम लोग तैयार है। मैं हिमू रजवंशी हूँ, मैं ओल असम कोसल वंशी सम्मिलनी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और जो ये हम लोग का मांग है 1967 से हम लोग का मांग है, फिर हम लोग का ये जो मांग किया था फिर 1996-97 में बाय ऑर्डिनेंस हम लोग का सार बार ये जो जनजातिकरण का मर्यादा मिला था हम लोग को। लेकिन अभी क्या है कि बीजेपी सरकार ने नरेंद्र मोदी जाके, वो उस टाइम मुख्य प्रसारक था असम में जाके बोला जे 6 महीने के अंदर, इधर लिखा हुआ है उन लोग का मैनोविस्ता में लिखा हुआ है 6 महीने के अंदर उन लोग हम लोग को कुछ राजवंशी लेके असम का 6 जनगोष्ठी है और 6 जनगोष्ठी को 6 महीने के अंदर जनजातिकरण कराएगा। लेकिन क्या हुआ, हम लोग को इधर दिल्ली में मीटिंग हुआ, ये हुआ गुवाहाटी में, ये हुआ मीटिंग हुआ असम में, वो लोग कराएगा मॉडलिटी कमेटी बैठाया, ये तोप अगरह वगैरह दे दिया। लेकिन कल जो होम मिनिस्टर ने एक बाइट में कहा था कि वो जो समझती है MLA कंस्टिट्यूएंसी है, हाँ वो उसको मतलब संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक सुरक्षा का वो दर्जा देगा ऐसे करके बोला है। लेकिन कहा वो कैसे देगा, कैसे होगा ये, तो ये करने से तो फिर तो कुशल राजवंशी को देना पड़ेगा, फिर तो जो और कुशवंशी लेके और 5 जनगोष्ठी है उन लोग को देना पड़ेगा। फिर फिलहाल अभी क्या हो रहा है कि असम में जैसे कि नाथ जोगी है, कलिता है और ब्राह्मण है, जो ओल्ड ब्राह्मण है, ओल्ड मुस्लिम है, हम इन लोग को भी चाहिए, मतलब हम लोग उन लोग के बोला कि हाँ आप लोग की भी इस दर्जा में आ जाओ, कोई हम लोग का मतलब इसमें ये नहीं, वो असम, हाँ असम में जनजातीय राज्य हो, ट्राइबल स्टेट हो, कोई हम लोग का आपत्ति नहीं है। क्योंकि जो असम का अभी जो वातावरण है, आप शायद जानते होंगे कि असम में जो वातावरण है अभी, जो फिलहाल अभी हिंदू बांग्लादेशी का जो अभी ये चल रहा है, ठीक है, परसों ये बांग्लादेशी बिल अमेंडमेंट के लिए JPCC चेयरमैन ने ये किया, तो अभी क्या है कि हम लोग अभी जो हम लोग का मांग है 1967 से मांग है, ये हम लोग का मांग पूरा करना चाहिए, क्यों नहीं तो हम लोग नो एस टी नो वोट करेंगे, और नहीं तो नो एस टी नो वोट नहीं होने से भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। यही है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अग्निपल दास है, मैं ऑल असम कोच राजवंशी युव छात्र सम्मेलन का स्टेट का अब जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से हम लोग का यही डिमांड है, आज से नहीं पहले कितने सालों से वही चल रहा है कि भारत के जितने गवर्नमेंट आज तक आया गया दिल्ली में बैठ के, असम के जो डिमांड है उसके ऊपर में हाईएस्ट जो डिमांड था, जो बहुत सेंसिबल और बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और वो था कमोटापुर और जनजातिकरण का डिमांड और कुछ राजवंशी जनगोष्ठी के लिए। लेकिन आज तक जितने भी गवर्नमेंट आया और गया, लास्ट 96 में कांग्रेस सरकार के उस टाइम में, मतलब बीजेपी के गवर्नमेंट के टाइम में सेंट्रल में और असम स्टेट में था कांग्रेस के गवर्नमेंट, तो उस टाइम में एक ऑर्डिनेंस पास करके सभी जो जनगोष्ठी है कुछ राजवंशी
असम के लोगों को एसटीएस दिया हुआ था, लेकिन फिलहाल एक साल के बाद उसको खारिज कर दिया। उसका रीज़न अभी तक मालूम नहीं हुआ है। उसके पिछले दिनों से हम लोग को शुरुआत हो गया था कि हम लोग आंदोलन करेंगे ही करेंगे और इतना करेंगे कि आज तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आंदोलन हम लोग का कंटिन्यू है, पर हम लोग गवर्नमेंट को ये अपील कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके, अगर अपना सत्ता बचाने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इमीडिएटली असम में जो जनगोष्ठी है कुछ राजवंशी जनगोष्ठी, इन लोग को आप इस और उसके साथ में कंप्यूटरपुर डिमांड को आप फुलफिल कीजिए, नहीं तो हम लोग एट एनी कॉस्ट आप लोग छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली तो दूर की बात, असम में ही नहीं बनने दूंगा हम लोग। आप लोग मत आओ, अगर आप लोग हम लोग का डिमांड नहीं करना चाहते हो और नहीं आप लोग को करना है तो आप लोग असम में मत आओ, हम लोग के पास आप लोग वोट मत मांग करो। हम लोग ना वोट देंगे ना आप लोग को हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग आप लोग को प्योरली एंटी करेंगे और जितना हो सके आप लोग को हरवा के हम लोग रहेंगे। ये हम लोग का प्रोमिस है आप लोग के साथ। जितना जल्दी हो सके आप लोग इसके ऊपर अमल कीजिए और काम कीजिए।